विशा पुलिस ने ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जो लोन चुकाने के नाम पर लोगों से किश्त की राशि वसूलता था और पैसे लेकर चंपत हो जाता था। ये मामला तब खुला जब आरोहन कंपनी के ब्रांच मैनेजर ने गड़बड़ी की जांच के लिए एफआईआर दर्ज कराई। ये रिपोर्ट देखिए। बगीचा पुलिस की गिरफ्त में जालसाज, लोन की वसूली के नाम पर की धोखाधड़ी, कर्जदारों के लोन के पैसे हड़प गया आरोपी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जशपुर जिले की बगीचा पुलिस के सामने जालसाजी का ऐसा केस सामने आया है जिससे एक पल के लिए तो पुलिस का भी सिर चकरा दिया। बगीचा पुलिस के सामने ऐसे ठग के कारनामे की फेरिस्त आई जिसमें उसने कई लोगों को ठगी का शिकार बना डाला, वो भी लोन की किस्त वसूलने के नाम पर। आखिर कैसे इस ठग ने एक साथ कई लोगों को लूट लिया, आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। उसके पहले जरा सुनिए बगीचा पुलिस का खुलासा। आरोहन कंपनी का ब्रांच मैनेजर अजय राय के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था जनवरी में 2020 में कि शैलेंद्र कुमार टंडन जो उसके अधीनस्थ के पद पर कार्यरत था और गांव की जो स्व सहायता समूह की महिलाएं रहती थी उनको लोन देना था एवं लोन वापसी करके किस्त के रूप में अपने बैंक मैनेजर के पास ऑफिस में जमा करना था। लेकिन शैलेंद्र टंडन के द्वारा लोन को वसूली तो किया गया लेकिन उसको गबन कर दिया गया था और उसी पर से रिपोर्ट में अपराध पंजीबद्ध किया गया था जो पिछले लगभग 8 से 9 महीने से आरोपी फरार था जिसमें टीम बनाकर मुंगेली से दबिश देकर गिरफ्तार करके लाया गया है और अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सुना आपने, बागीचा पुलिस कह रही है कि दरअसल पुलिस के सामने आरोहन कंपनी के मैनेजर ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मैनेजर अजय कुमार ने पुलिस को दी गई एफआईआर में इस बात का जिक्र किया था कि उनकी कंपनी में सीएसआर का काम करने वाला आरोपी शैलेंद्र टंडन बड़ी जालसाजी को अंजाम दे रहा है, वो भी कंपनी के नाम पर। शुरू में तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ, फिर जब पुलिस की तहकीकात शुरू हुई तो धीरे धीरे शैलेंद्र टंडन का कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खुल गया और पुलिस ने बिना देर किए आरोपी को दबोच लिया। आरोहन कंपनी का ब्रांच मैनेजर अजय राय के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था जनवरी में 2020 में कि शैलेंद्र कुमार टंडन जो उसके अधीनस्थ सीएसआर के पद पर कार्यरत था और गांव की जो स्व सहायता समूह की महिलाएं रहती थी उनको लोन देना था एवं लोन वापसी करके किस्त के रूप में अपने बैंक मैनेजर के पास ऑफिस में जमा करना था। लेकिन शैलेंद्र टंडन के द्वारा लोन को वसूली तो किया गया लेकिन उसको गबन कर दिया गया था और उसी पर से रिपोर्ट में अपराध पंजीबद्ध किया गया था जो पिछले लगभग 8 से 9 महीने से आरोपी फरार था जिसमें टीम बनाकर मुंगेली से दबिश देकर गिरफ्तार करके लाया गया है और अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शैलेंद्र टंडन ने महिला स्व सहायता समूह के हितग्राहियों से लोन का पैसा वसूली करके उस पैसे का ही गबन कर दिया। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक आरोपी शैलेंद्र का काम महिला स्व सहायता समूह को लोन देना और लोन की किस्त की वसूली करके उसे कंपनी की शाखा में जमा कराना था। लेकिन आरोपी शैलेंद्र टंडन ने कई हितग्राहियों से लोन का पैसा वसूली तो कर लिया मगर उसे जमा नहीं कराया बल्कि उस पैसे को धोखाधड़ी करके अपने पास रख लिया। लेकिन शातिर दिमाग आरोपी पुलिस की नजरों से बच नहीं सका। आरोहन कंपनी का ब्रांच मैनेजर अजय राय के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था जनवरी में 2020 में कि शैलेंद्र कुमार टंडन जो उसके अधीनस्थ सीएसआर के पद पर कार्यरत था और गांव की जो स्व सहायता समूह की महिलाएं रहती थी उनको लोन देना था एवं लोन वापसी करके किस्त के रूप में अपने बैंक मैनेजर के पास ऑफिस में जमा करना था। लेकिन शैलेंद्र टंडन के द्वारा लोन को वसूली तो किया गया लेकिन उसको गबन कर दिया गया था और उसी पर से रिपोर्ट में अपराध पंजीबद्ध किया गया था जो पिछले लगभग 8 से 9 महीने से आरोपी फरार था जिसमें टीम बनाकर मुंगेली से दबिश देकर गिरफ्तार करके लाया गया है और अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपी शैलेंद्र के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। हालांकि उसकी चालबाजी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी और पुलिस को मिली सूचना के आधार पर वो बिलासपुर के मुंगेली से गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस आरोपी शैलेंद्र टंडन से पूछताछ करके गबन के पैसे की जानकारी निकाल रही है ताकि कंपनी को उसका पैसा लौटाया जा सके। हवालात के लिए बागीचा जशपुर से योगेश यादव की रिपोर्ट।